गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनू, योर साइंस टीचर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल के ऑक्साइड बनाती हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, पर बात करें अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की तो ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, साथ में वाटर रिलीज हुआ। एल्युमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर सोडियम एल्युमिनेट बनाया और वाटर रिलीज हुआ। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, पर सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो हैं ये पानी में घुल जाते हैं और अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि एक अल्कली है। पोटेशियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि अल्कली है। अब हम देखेंगे अलग अलग मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर बात करें पोटेशियम और सोडियम की, जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलती है ये बहुत ही आक्रामक रूप से रिएक्ट करते हैं और आग भी लग जाती है, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। अगर बात करें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड की, तो गर्म करने पर ये जल जाते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ऑक्साइड की थिन लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। आयरन की अगर हम बात करें तो इसको जितना मर्जी गर्म कर लो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। और अगर बात करें आयरन फिलिंग्स की, मतलब कि छोटी छोटी जो बारीक आयरन की कतरन होती है वो बहुत तेज़ी से जल जाती है। कॉपर, कॉपर जलता नहीं है, अगर ये गर्म करते रहें फिर भी इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जो कि कॉपर टू ऑक्साइड कहलाती है। सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो इन पर कोई भी असर नहीं होता, ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं।